हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल एचके एकेडमी। और आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में। ये जो थ्योरी है बेसिकली क्रिस्टालर महोदय ने दी है, इसके बाद लोस महोदय ने भी इसको और मॉडिफाई करके इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया है। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय स्थान सिद्धांत, जो किसने प्रपाउंड किया है, क्रिस्टालर महोदय ने प्रपाउंड किया है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टालर महोदय के बारे में, कौन थे, कहां से थे। जर्मन स्कॉलर थे या फिर जर्मन विद्वेता थे, जिन्होंने क्या है अपना 1933 में अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहा जाता है, या फिर केंद्रीय स्थान सिद्धांत कहा जाता है। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली क्या है, लोकेशनल थ्योरी है आपकी, और इसके साथ साथ क्या है, इसके लिए जो आपके क्रिस्टालर महोदय है उन्होंने किसको बेस माना है। जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी बर्गेस के मॉडल की बात की थी, मैंने आपसे जो होमर हाइट है उनके मॉडल की बात की थी, मैंने आपसे उलमैन के मॉडल की बात की थी, तो उन्होंने एक सिटी को बेस माना था, यानी शिकागो को बेस माना था। और यहाँ पर जो क्रिस्टालर महोदय है इन्होंने साउदर्न जो जर्मनी है या फिर जो दक्षिण जो जर्मनी है उसको बेस माना है अपनी थ्योरी का, यानी अपनी जो थ्योरी है उन्होंने एस्टेब्लिश करके देखा साउदर्न जर्मनी के ऊपर, और इसी के बेस पे ही उन्होंने पूरी जो थ्योरी है उसका एक जो रूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब हम साउदर्न जर्मनी की एक बार लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। जैसे आपने अगर यूरोप का मैप देखा हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके का लोकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहले पुर्तगाल है, उसके बाद स्पेन है, फिर फ्रांस है, और फ्रांस से आगे चलकर आपका क्या है, जर्मनी है। और जर्मनी का जो साउदर्न पार्ट है ये लिया है आपके जो क्रिस्टालर महोदय है उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर। इसमें कुछ टर्म्स है जैसे हम उसको समझ लेते हैं पहले। सबसे पहली जो यहाँ पे टर्म आती है वो है सेंट्रल प्लेस, या फिर इसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय स्थान क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है केंद्रीय स्थान। अब आप लोगों ने कभी भी कोई टाउन देखा होगा, कोई सिटी देखी होगी, या फिर कोई जैसे छोटा सा एक हब देखा होगा जिसमें क्या है उसके आसपास के जो रूरल जो एरियाज हैं उनको क्या है जो टाउन है या फिर जो सिटी है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी क्या है कि आपकी एक सिटी है और ये सिटी आपके आसपास के जो रूरल एरियाज है इनको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे हेल्थ फैसिलिटी हो गई, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, तो इस तरीके से, या फिर रिक्रिएशनल के जो मोड्स है वो प्रोवाइड करता है, तो ये इनको इस तरीके की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, और ये जो रूरल एरियाज है ये भी इनको क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो क्या है, जो सिटी या जो टाउन क्या है अपने आसपास के क्षेत्र से जुड़ा होता है, अपने आसपास के एरिया से कनेक्टेड होता है, और वो क्या है, दूसरे जो रूरल एरियाज है उनको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सेंट्रल प्लेस बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो दिल्ली जो है वो आपके एनसीआर क्षेत्र का या फिर एनसीआर एरिया का क्या होगा, सेंट्रल प्लेस होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें छोटे से टाउन की, मैं अगर बात करूं तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा पटौदी, तो ये क्या है, पटौदी जो अपने आसपास का जो एरिया है, जो रूरल एरिया है उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से आपका गुरुग्राम ले लीजिए, तो गुरुग्राम के पास वजीराबाद है, कादीपुर है, हयातपुर है, ये सब क्या है, रूरल एरियाज है, और ये सब क्या है आपका गुरुग्राम जो है इनको सर्विस प्रोवाइड करता है। और एट प्रेजेंट टाइम में ये सारे के सारे विलेजेस भी क्या बन गए हैं, अर्बन विलेजेस बन गए हैं। तो ये इस तरीके से क्या है कि आपका एक छोटा टाउन से लेकर एक बड़ी सिटी तक क्या करती है, अपने आसपास के एरियाज को सर्विस प्रोवाइड करती है, और इन्हीं जो आपका सेंटर है, जो सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको क्या कहा जाता है, सेंटर प्लेस कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है ये। इसके बाद जो आपके क्रिस्टालर महोदय हैं उन्होंने अपने थ्योरी को एक बैकग्राउंड देने के लिए कुछ जो अजम्पशंस हैं वो रखी। सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि जो आपका सेंटर प्लेस होगा वो किस तरीके से एक सर्कल फॉर्म में हो, उन्होंने ये माना कि एक वृत्ताकार रूप में एक सेंटर होगा या फिर सेंट्रल प्लेस होगा, लेकिन उसमें क्या है,
कुछ कमियां रह गई। जैसे कैसे इसमें कमियां आती हैं, अगर इस तरीके से हम सर्कल्स बनाते हैं सेंटर प्लेस का, तो क्या है, एक जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर एरिया है या फिर मेन सेंटर है, वो दूसरे सेंटर के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। और ये ओवरलैप या फिर अतिक्रमण क्या है, जो इस रीजन है, इस रीजन को दोनों में क्या बन जाता है, कंपटीशन बन जाता है। और इस कंपटीशन की वजह से यहां पर क्या है, डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। तो पहला उन्होंने ये बताया, सर्कल जो मोड़ होगा या फिर आपका जो ये वृत्ताकार जो रूप होगा, ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और ओवरलैप करने की वजह से जो दो सेंटर्स है या दो मेन आपके सेंटर प्लेसेस है, वो क्या है, कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। अब दूसरा इन्होंने क्या माना कि अगर हम इनको दूर दूर रखते हैं, तो फिर क्या होगा कि इनमें से कुछ क्षेत्र जो है वो क्या है, छूट जाएंगे, जिनको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाएगी या फिर वो अपने डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों का उन्होंने क्या सोचा कि कुछ इस तरीके का हम ज्योमेट्रिकल शेप लें, जो क्या कर सके, आपके जो एरियाज है सेंटर प्लेसेस के, वो ओवरलैप भी ना करे और उनमें से कोई भी जो ब्लैंक जो प्लेस है या फिर खाली जो स्थान है वो भी ना छूटे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने हेक्सागन को यूज किया, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, षटकोणीय आकृति का यूज किया, हेक्सागन जो है उसको यूज किया। और हेक्सागन में इन्होंने बताया कि क्या है, पूरा जो एक हेक्सागन है वो एक दूसरे से क्या है, ओवरलैप भी नहीं करेगा और एक दूसरे के क्षेत्र को क्या है, उसमें कोई भी खाली स्पेस भी नहीं छूटेगा और ये क्या है, एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट भी होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हेक्सागन की आकृति बताई। अब हम बात करते हैं मेन अजम्पशंस की, कि उनकी क्या क्या मेन अजम्पशंस थी। मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि हर जो थ्योरी कोई भी प्रपाउंड की जाती है या कोई भी थ्योरी जब रखी जाती है, तो उसके लिए पहले कुछ अजम्पशंस रखी जाती है कि ये मान्यताएं होंगी, यहाँ पे ऐसा सरफेस होगा, ऐसी टोपोग्राफी होगी, या फिर यहाँ पर जो है पॉपुलेशन इस तरीके की होगी, या फिर यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मोड इस तरीके का होगा। तो सेम इसी तरीके से क्रिस्टालर जो मुद्दे हैं, उन्होंने भी क्या है अपनी कुछ अजम्पशंस रखी, जिससे उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या है, आपका जो टोपोग्राफी होगी वहां की, वो कैसी होगी, होमोजेनस होगी या फिर इक्वल क्वालिटी ऑफ अर्थ सरफेस या फिर टोपोग्राफी। तो इन्होंने क्या माना कि जहां हम ये थ्योरी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, या फिर जो साउदर्न जो जर्मनी है आपका, वहां पर क्या है, जो टोपोग्राफी है या फिर जो स्थलाकृति है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके की है, वहां पर जो अर्थ सरफेस है वो एक समान है, वहां पर कोई भी विषमताएं नहीं है, ना कोई ऐसा है कि जैसे हमारा इंडिया की अगर हम बात करें तो एक तरफ हिमालयन माउंटेन है तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे जो प्लेन है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का, और नीचे आपका पेनिनसुला है, तो ये क्या है, यहाँ पर इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो अर्थ सरफेस है वो एक जैसा होगा। इनकी जो सेकंड अजम्पशन थी, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी जो आपका छोटा कोई सेंटर है हेक्सागन का, वहां के पॉपुलेशन दूसरे छोटे सेंटर के इक्वल होगी, किसी की भी पॉपुलेशन क्या है, ना कम होगी ना ज्यादा होगी इस तरीके से। और क्या है, जो इसका फिर बड़ा जो सिटी सेंटर होगा वहां की भी पॉपुलेशन क्या होगी, एक समान होगी। तो यहाँ पर क्या है, इनकी सेकंड अजम्पशन है ये, यही कहती है कि किसी भी एक सेंटर की जो पॉपुलेशन है या फिर उसका जो सर्विस एरिया है वो चारों तरफ से एक समान होगी, कहीं पर भी अनइवन नहीं पाई जाएगी। इसके बाद इन्होंने क्या माना थर्ड अजम्पशन में, इक्वल परचेजिंग पावर, या फिर क्या है कि जो आपका मार्केट प्लेस होगा वहां पर जो वहां की जनसंख्या है उसको समान उनके पास क्रय शक्ति होगी, या फिर उसको किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए वहां पर समान मूल्य लोग वहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी थर्ड अजम्पशन ली कि वहां पर क्या है, जो क्रय शक्ति है वो क्या होगी, एक समान होगी। इसके बाद जो फोर्थ अजम्पशन थी वो क्या थी, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन।
इक्वल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने क्या माना कि कहीं पर भी अगर कोई एक किसान है और उसको पैदल जाना है तो कहीं पर भी उसका जो डिस्टेंस है एक जगह से, यानी जो आपका सिटी सेंटर का कोर है वहां से वो चाहे यहाँ जाए, जो यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, या फिर जो बड़ा जो सेंटर है उसके यहाँ से यहाँ की दूरी इधर की दूरी इधर की दूरी, हर यहाँ की दूरी क्या है एक समान होगी और इतनी दूरी होगी कि वो आराम से पैदल जा सके। इसके बारे में मैं आगे अच्छे से डिस्कस करूंगी कि उन्होंने क्या फॉर्मूला उसके लिए दिया, लेकिन इन्होंने क्या माना कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड होगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड होगा वो भी कैसा होगा आपका एक समान होगा। इसके बाद क्रिस्टालन मोड क्या कहते हैं कि जो आपका हेक्सागन है ये हेक्सागन जो है इनका जो फ्रंटियर है या फिर इनका जो सीमांत क्षेत्र है वो कितनी जगहों से घिरा होगा आपका, वो 6 जगहों से घिरा होगा, ये इन्होंने माना। अब इसके लिए क्या कहा कि कोई भी आदमी जो है वो कहां तक पैदल चल सकता है। उस टाइम वो साउथ जर्मनी पर काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या बताया कि जो एक किसान है वो क्या कर सकता है, सिर्फ 3.5 किलोमीटर चल सकता है पर आवर, यानी प्रति घंटा जो है वो कितना दूरी तय कर सकता है 3.5 किलोमीटर। तो ये पूरा जो डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक वो कितना रहेगा आपका 7 किलोमीटर। अब इसके बेसिस पर इन्होंने क्या बताया कि अगला जो हायरार्किकल में बड़ा जो इससे सिटी सेंटर होगा वो इससे 3 गुना एरिया कवर करेगा, और दूसरा क्या है कि इससे जो बड़ा जो डिस्टेंस लेवल है वो कवर करेगा। यानी अब आपके जो क्रिस्टालन मोड है उन्होंने क्या बताया कि जो आपका मार्केट हैमलेट होगा या फिर जो बाजार पुरवा होगा उसमें कितना डिस्टेंस होगा, सिर्फ 7 किलोमीटर का। जो क्रिस्टालन मोड है उन्होंने क्या कहा कि किसान यहाँ आपका ये जो सेंटर है यहाँ तक 3.5 किलोमीटर चल सकता है पर आवर और यहाँ से 3.5 किलोमीटर चल सकता है पर आवर। तो आपका छोटा जो हैमलेट है या फिर जो मार्केट हैमलेट है वो 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब क्या है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक या फिर एक सेंटर से दूसरे बड़े सेंटर तक की दूरी कितनी होगी, तो इसके लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया कि जो भी दूरी होगी वो क्या होगी 3 गुना होगी और वो क्या है अंडर रूट 3 होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या गणना की 7 × √3 और इज इक्वल कितना था 12 किलोमीटर। यानी क्या है सी से बी जाना हो या ए से सी की तरफ आना हो तो हमें सिर्फ कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, लेकिन अगर हमें क्या है ए से बी की तरफ इतना बड़ा डिस्टेंस अगर हमें कवर करना हो तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए सिर्फ 12 किलोमीटर होनी चाहिए। तो ये इन्होंने अपना एक कैलकुलेशन दिया कि एक किसान क्या है अपना जो मार्केट प्लेस है वो कितनी दूरी तक निश्चित करेगा, या फिर क्या है एक किसान के लिए कोई सुटेबल जो मार्केट प्लेस है या फिर मार्केट हैमलेट है वो कितनी दूर होना चाहिए, यानी छोटा जो सेंटर है वहां पर पैदल चलने के लिए किसान 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चल सकता है, तो एक जो आपका सेंटर है या फिर जो हैमलेट है उसकी दूरी 7 किलोमीटर की होगी, और 7 किलोमीटर के बाद जो दूसरा आपका मार्केट हैमलेट है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपका क्या है एक पूरा बड़ा एरिया कवर करता है तो उसमें 2 आपके जो बड़े जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर रहेगी, और उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया 7 × √3 और इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। और इस दूरी को जो आपके क्रिस्टालन महोदय है उन्होंने क्या माना है टाउनशिप सेंटर, मार्केट हैमलेट्स हैं इनके बीच की दूरी 7 किलोमीटर रहेगी, और जो आपके टाउनशिप सेंटर्स हैं या फिर आपके जो टाउनशिप जो केंद्र है उनकी दूरी 12 किलोमीटर रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने जो उन्होंने अपने हायरार्किकल निश्चित किए थे, जैसे आपका हैमलेट हो गया फिर टाउनशिप सेंटर हो गया फिर सिटी सेंटर हो गया फिर स्टेट्स जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है उनके बारे में, तो उसके लिए क्या क्या उन्होंने अपने क्राइटेरियाज रखे उस टाइम में। सबसे पहला उन्होंने जो हायरार्किकल फॉर्म में सबसे छोटे जो इकाई बताई उसको क्या बोला उन्होंने बाजार पुरवा बोला, इसको मार्केट हैमलेट भी बोला जाता है।
और इस मार्केट हैमलेट की क्या खासियत है? सबसे पहले तो क्या खासियत है, सबसे छोटी इकाई है किसी सिटी की या फिर किसी सेंटर की, उसके बाद क्या है यहाँ पर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी? यहाँ पर रजिस्ट्रार के कार्यालय मिलेगी, यहाँ पर एक छोटा सा पुलिस स्टेशन मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ जो दंत चिकित्सक है या फिर जो आपके BDS जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है एक छोटे होटल्स मिलेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे जो छोटी आप कह सकते हैं कि जो लो लेवल की सर्विस जो प्रोवाइडर है वो आपका क्या है मार्केट हैमलेट्स है। तो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे पॉपुलेशन 800 होनी चाहिए, इसके साथ साथ ये कितना एरिया कवर करता है 49 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया कवर करता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई यहाँ पे छोटे रेलवे स्टेशन भी मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे जो डाकघर है वो भी बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर जो टेलीफोन्स है वो भी मिलेंगे लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर्स है उनमें। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया टाउनशिप सेंटर, जो टाउनशिप सेंटर है ये बेसिकली क्या है निम्न स्तर की, वो निम्नतर स्तर की आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ये लो लेवल की या फिर निम्न स्तर की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कोर्ट हो गए यहाँ पर होंगे, रेलवे स्टेशन हो यहाँ पर होंगे, और ये कहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, जहां पर आपका मेन रेलवे स्टेशन होता है या फिर मेन रेलवे जो लाइन्स होती है वहां पर। तो मुख्य रेल मार्गो के साथ साथ इनका डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर न्यायालय मिलता है, यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन मिलते हैं, यहाँ पर आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको टेलीकम्युनिकेशन की काफी अच्छी सर्विस मिल जाएगी जो आपका ऊपर वाला हैमलेट्स है उसके कंपेरिजन में। इसके साथ साथ क्या है कि जो आपके क्रिस्टालर महोदय है उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई आपका एक सिटी सेंटर होगा या फिर छोटा जो सेंटर होगा उससे जो ऊपर की हायरार्की होगा वो 3 गुना क्या है ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा किसी एरिए को, 3 गुना बड़ा एरिए को सर्विस देगा। तो यहाँ पर क्या है ये जो सेंटर है ये 3 आपके जो पूर्वा है या फिर जो हैमलेट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी मिलेगी आपको 1500, और यहाँ का जो एरिया कवर होगा वो कितना होगा 135 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो इसको कवर करेगा। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ये कितना डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करेगा, एक जो आपका टाउनशिप सेंटर है दूसरे टाउनशिप सेंटर से उसकी कितना डिस्टेंस होगा, तो ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका जो टाउनशिप सेंटर है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो किन किन चीजों पर बेस्ड है। अब थर्ड जो है वो है आपका काउंटी सीट। अब काउंटी सीट जो है वो आपके टाउनशिप से थोड़े से क्या है अच्छी क्वालिटी के होते हैं। दूसरा क्या है कि इनका जो ओरिजिन 19th सेंचुरी में हुआ था, यानी 19वीं शताब्दी में इनका विकास हुआ, और वो विकास किस तरीके का था, एडमिनिस्ट्रेटिव था या फिर प्रशासकीय रूप में ये नगर विकसित हुए थे 19वीं शताब्दी में, और इनका जो मेन काम था वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव देखना या फिर प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं उनको करना इनका मुख्य कार्य था। अब हम इसकी बात करते हैं इसमें कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक जो आपका मेन काउंटी सीट होगा दूसरे काउंटी सीट से, तो ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो 21 किलोमीटर होगी। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 3500 के आसपास होगी, इसलिए आपका 400 किलोमीटर स्क्वायर जो है या 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है आपका जो काउंटी सीट है।